कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕੀ ਹੈ ਅਪਰੂਵਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਬੜੇ ਔਡ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਕਰਵਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆ ਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ मेरा प्रतिपाल सिंह है मैं मैंबर हाँ सी आई सी सी का कैनेडा वीजा की अजेट करंट टाइमलाइन के जो साढ़े को आए हैं वीजा एंड ऑफ सपटंबर वेरी बिगनिंग एक अक्टूबर का भी रिजल्ट आया हुआ वा अदरवाइज सपटंबर के काफ़ी रिजल्ट जोड़े ने इस टाइम के उपर प्रोसैस होकर ऑलरेडी आ चुके हैं होपफुली अगर आप गल करिए भी कमिंग वीक है ये अक्टूबर दगी हुई फाइलों के उपर बड़ी तेजी रिजल्ट आपते हुए नजर आएंगे पिछले कुछ दस दिन या आप कह लिए दो हफ्ते के काफ़ी तेजी रिजल्ट प्रोसैस हुए हैं खास तौर पर ऑगस्ट एंड दिया और सितंबर दिया लगी हुई फाइलों के उपर रिजल्ट दोनों तरह के आ रहे हैं अपरूवल भी ने एक पास पर रिफ्यूजल भी ने और बड़े अजीबो गरीब जो रिफ्यूजल ने बहुत हाई परसेंटेज आए स्टूडेंट्स जिन्हें आयल स्कोर भी काफ़ी उपर आ उत्थे भी बड़ा रिफ्यूजल देखने को मिल रहा प्लस टू के मेरे को कैंडीडेट्स जानते हैं आके मिले ने जिथे 90% प्लस उन्होंने पास परसेंटेज हैगी और आयल्स का स्कोर 7.5 बैंड हैगा वा उत्थे भी रिफ्यूजल आया वा ग्रैजुएट पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिफ्यूजल दिए ने इन्होंने इस बार उत्थे भी यह जे बहुत सारे एप्लीकेंट जिन्हें पास परसेंटेज बहुत चंगी सी और आयल्स का स्कोर भी इनफैक्ट बहुत वधिया सीगा उत्थे भी बहुत रिफ्यूजल देखने को मिले हुण रीजन की आ कारण की आ इहदा अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस करिए दो तीन गल्लां सामने आउंदियां ने सब तो पहली गल साल का एंड हुंदा इह जिथे ना सिर्फ स्टूडेंट वीजा का जो कोटा वा वो घट रहा है बल्कि जो कंट्री स्पैसीफिक कोटा वा वो भी काफ़ी घट जाता वा कॉलेज के कोल जो सीट्स होंगे ने बड़ी लिमिटेड होंगी रह जाएं ने इमीग्रेसन कैनेडा ऑलरेडी जानती होंगी कि वीजे जो ग्रांट कर चुके हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिदे करके आपको बड़े ऑड जे बड़े अजीबो गरीब रिफ्यूजल देखने को मिलते हैं ग्रैजुएट पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट्स की गल करा उ ट्रेंड पहला भी देखने को मिलया वा बड़ी बार पिछले दो सैशन के ट्रेंड के थोड़ी जी नरमी वरती से उन्होंने और काफ़ी स्टूडेंट्स को अपरूवल मिले से ग्रैजुएट से पोस्ट ग्रैजुएट में साढ़े सपटंबर इंटेक के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट जिन्हें एज 30+ सी बिटवीन 30 एंड 40 और 6-6, 7-7 साल तो लैके 10-10, 12-12 साल का गैप सगा एंड सक्सैसफुल उन्होंने वीजा ग्रांट हुए हैं और बड़े यह जे केसिस भी सके जिथे री एप्लीकेशन की दोबारा अपलाई किया एक बार रिफ्यूजल आने बाद उ भी बड़ा वीजा सक्सैस रेट चंकी मिली सी इतने भी मैं स्टूडेंट्स को कहना दोबारा तुम्हें ये बहुत ज़्यादा घबराने की लड़ नहीं अगर तुम्हारा प्रोफाइल चंगा वा पास परसेंटेज बहुत चंकी है आयल्स का स्कोर चंगा वा और कॉन्फिडेंट हो तुम जो स्को अपना प्रोग्राम लिया वा बिल्कुल मैच करता वा तो जरूर री एप्लीकेशन करो हाँ सोच समझ के री एप्लीकेशन करनी पैनी है वीजा सक्सैस मिलने चांसिस बहुत ब्राइट ने कैनेडा से बहुत पहला भी देखने को मिले वा बार बार कि जिथे पहली बार बड़े आप कह दिए भी एक तरह फाइल में देखा ही नहीं गया प्रॉपरली उस वजह करके रिफ्यूजल दिए जाते हैं और री एप्लीकेशन करने के उपर बड़ी बार जो सक्सैस मिल जाता वा तो जे मैं प्लस टू वाले स्टूडेंट्स की गल करा जिथे उत्थे भी थोड़े जो ऑड जो रिफ्यूजल देखने मिले हैं उत्थे मैं देख रहा भी जिथे तो यूनीवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपलाई किया वा हालांकि उनकी पास परसेंटेज बड़ी चंगी सी कोई यूनीवर्सिटी आम तौर पर चंगी परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स में भी मंगती और 6.5 प्लस टू वाले स्टूडेंट भी चाहिए ने यूनीवर्सिटी ज्वाइन करने और चंगे आयल स्कोर से उत्थे वीजा अपरूवल काफ़ी ने दूजे पास लेटली इस तो पहला नहीं 10 दिन तो पहला काफ़ी अपरूवल से पर हम 10 दिन मैं देखा कि डिप्लोमा जो स्टूडेंट जा रहे हैं प्लस टू वाले हालांकि पास परसेंटेज बहुत चंगी है आयल्स का बैंड स्कोर बहुत चंगा वा 6.5 तो उपर बैंड स्कोर आ 7 तो उपर आ 7.5 तो उपर आ उत्थे रिफ्यूजल देखने को मिल रहे हैं इतों ये भी थोड़ा ट्रेंड समझ आता वा कि यूनीवर्सिटी की जी एजुकेशन उसे थोड़ी जी प्रेफरेंस इस बार इस वक्त कैनेडा की ज्यादा है जिथे ज़्यादा सक्सैस रेट हैगी है इन कंपैरिजन टू जो स्टूडेंट डिप्लोमे ले जा रहे हैं बट ये कोई फाइनल ट्रेंड नहीं है नहीं कि परमानेंटली इदे रहनगियां चीज़ा ये अगली बार तुसीं देखो या नवा साल चढ़ेगा ये सारा कुछ चेंज होता नजर आऊगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीजा अपरूवल मिलने वाले ने तो निराश होने की लड़ नहीं किसी भी स्टूडेंट जो प्रोफाइल चंगा वा जरूर तुसीं री एप्लीकेशन करो सोच के समझ के जरूर करो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अगले साल कैनेडा के जिन्होंने अपरूवल मिलने ने कोटा भी इनक्रीज कर दिता वा इमीग्रेशन कैनेडा ने जो इनफॉर्मेशन दी है 7.5 लाख तो ज़्यादा इस करके डिसअपॉइंट होने की लड़ नहीं हैगी फाइलिंग चंगी तरह जरूर होनी चाहिए है थोड़ी कई बार वो भी छोटे मोटे कमियां रह जाए जिदे करके आपको रिफ्यूजल देखने को मिलता बहुत बार प्रोग्राम बड़ा ऑड हों जिते बिल्कुल मिसमैच हों इदा के एप्लीकेंट भी मैंने आके मिलते रहते हैं
ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਰਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਪਰ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮਈ 2023 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਈ 2023 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੇਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਟੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ